नवरात्रि के उत्सव के दौरान हर जगह पर मेले लगे होते हैं और इन्हीं मेलों को रामलीला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो हम भी आज चल दिए रामलीला महोत्सव में घूमने। यह मेला द्वारका में लगा हुआ है, सेक्टर 10 में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जस्ट बगल में। क्या था, हमारा भी मन था घूमने का, तो हम भी आ गए अपने कजन के साथ मेला घूमने के लिए। यहाँ मैंने इतने सारे झूले देखे, मतलब मज़ा ही आ गया। बच्चों के लिए इतने सारे इंटरेस्टिंग झूले थे, टॉयज थे, चीज़ें थी। आप देख सकते हैं वीडियो में पानी के जो नाव चलाते हैं वो भी थे, पर ये सारे के सारे बहुत ही मज़ेदार थे। यहाँ पे हॉन्टेड हाउस भी था, हम इसके अंदर नहीं गए थे क्योंकि हमें तो लगता है डर। और ये देखिए, ये आपने टीवी में ज़रूर देखा होगा, इसमें तो इतना मज़ा आ रहा था, मतलब बच्चों को देखते ही इतना मज़ा आ रहा था, इतने मज़े से खेल रहे थे। पर कुछ को चोट भी लग गई थी, पर तब भी मज़े ले रहे थे वो। यहाँ मेले में करने को आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी और खाने पीने की तो पूछो ही मत, बहुत सी अलग अलग सी वेराइटीज़ आपको हर तरीके की, जयपुरी, राजस्थानी, बॉम्बे, हर तरीके की मिल जाएगी। और शॉपिंग की बात करें तो आपको क्रॉकरी से लेके होम डेकोर की, किचन की, रूम डेकोरेशन की, फेस्टिवल की, हर तरीके की शॉपिंग आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी, मेरा मन था मैं सारी। और अपनी पॉकेट का ख्याल रखते हुए हम बढ़ गए आगे। आगे हमने बहुत सारी गेम्स देखी और हमने खेला भी गेम, बहुत मज़ा आया, पर हम कुछ जीते नहीं। तो यहाँ मैंने कुछ बुक्स के स्टॉल्स देखे थे। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स मिल रही थी पढ़ने के लिए, इंग्लिश में, हिंदी में, जो आपकी नॉलेज के हिसाब से हो वो ले सकते हैं। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको स्वेटर्स, विंटर के लिए सब चीज़ें मिल रही थी, फेस्टिवल के लिए ज्वेलरी वगैरह, हर तरीके का सामान था। आप जो देखो वहाँ आपको सामान ही सामान, रंगीला, बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। यहाँ पे देखिए आप, ये स्टॉल्स लगे थे 20-30 रुपए के, बहुत अच्छे लगे। यहाँ बच्चों के लिए थी स्टेशनरी, ये 10-10 रुपए की रेजर देखी मैंने, इतनी प्यारी रेजर मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी सुंदर सुंदर। और आगे बढ़े तो हमें लकड़ी की इतनी सारी चीज़ें दिखी, लकड़ी से बनी हुई, जो आप नॉर्मली किचन में, घर में डेकोरेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने ये टॉय देखा, इसके साथ इतना खेला, मज़ा आ गया इसको देख के। और आगे बढ़े तो हमने रूम डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें दिखी जो बहुत प्यारी प्यारी थी। यहाँ पे फर्नीचर भी थे, आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये इतना बड़ा मेला था, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको स्लीपर, सैंडल और जो रूम डेकोरेशन, मतलब ऊपर से नीचे तक आप अपने को भी सजा सकते हैं, अपने घर को भी सजा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ मिरर्स लगे थे जिन्हें देख के हम लोग पागल हो गए और वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक करने लगे। यहाँ आप नॉर्मली चीज़ें भी खरीद सकते हैं, फेस्टिवल वाइब्स के लिए भी खरीद सकते हैं। मुझे इतने आइडियाज़ मिले ना इसमें क्राफ्ट की चीज़ें बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप क्राफ्ट के लिए भी सामान खरीद सकते हैं, रेडीमेड सामान खरीद के आप अपने तरीके से पेंट करके अपने तरीके से सजा सकते हैं अपने घर को। यहाँ आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, मेले में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया, सच बता रही हूँ। पर मैंने ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं क्योंकि हमने आइडियाज़ ले लिए हैं जो हम घर जाके बनाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या देखा और क्या बनाया है। अब आप लोग भी जाइए, घूमिए, इंजॉय कीजिए, शॉपिंग कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।